बुलडोजर से उड़ाई गई कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी वालों ने निकाला रोजी रोटी पैदल मार्च, बजाए खाली कटोरा थाली और कनस्तर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी विक्रेताओं ने कहा, छीन ली योगी सरकार ने हमारी रोजी और रोटी, मर रहे हैं भूखे बच्चे, उठाई मंडी बहाली की मांग। 216 दिन से बैठे हैं दिन रात धरने पर, योगी सरकार को बताया गरीब विरोधी, आने वाले समय में जनता देगी योगी सरकार को करारा जवाब। जीविका बचाओ आंदोलन समिति ने कचहरी पर चल रहे कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली के लिए धरने के 216 दिन वे निकाला रोटी दो रोटी दो पैदल मार्च। आपको बता दें कि जीविका बचाओ आंदोलन समिति ने कचहरी पर जारी कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली के लिए धरने के 216वें दिन गुरहट्टी जैन मंदिर होते हुए जिलाधिकारी मुरादाबाद कार्यालय तक रोटी दो पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी को 3 मांग पत्र सौंपा। खाली बर्तन बजाकर उजाड़े गए फल सब्जी विक्रेताओं का दर्द बयां किया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कपूर कंपनी सब्जी मंडी बहाल करने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किसी को न उजाड़े जाने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने प्रेषित दो अन्य ज्ञापनों में मुंडा पांडे के सिरसा, इनायतपुर के किसान मंगली सिंह का मकान बिना विधिक प्रक्रिया से ढाया जाने की कड़ी निंदा करते हुए उसका निर्माण करने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। तीसरे ज्ञापन में थाना भोजपुर के जागेश हत्याकांड का खुलासा करने व पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। वक्ताओं ने बुलडोजर से लोगों के दुकान मकान तोड़ने की कड़ी निंदा की। आज हमारा कार्यक्रम था, ये जो हमारा मंडी समिति जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी है, इसको आज हमारे इस धरने को, उसकी बहाली को लेकर जो धरना चल रहा है, आज 216 दिन इसको पूरे हो गए। और हमने पहले ये घोषित कर रखा था कि आज हम 31 दिसंबर को रोजी दो रोटी दो मार्च निकालेंगे। ये एक पैदल मार्च हमने निकाला है पूरे शहर के कुछ हिस्से में, और हमने चूँकि ये 100 साल से भी अधिक पुरानी कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी थी, जिसको योगी सरकार ने अपने बुलडोजर से रौंद कर लोगों की रोजी रोटी छीन ली। 216 दिन से लगातार दिन रात यहाँ धरना चल रहा है, मांग की जा रही है कि मंडी को बहाल किया जाए। सैकड़ों परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास आज खाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए, मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इस योगी सरकार ने उनके हाथ में एक तरीके से कटोरा थमा दिया, भीख का कटोरा थमा दिया। तो इस चुनी हुई सरकार ने जो बुलडोजर से लोगों की रोजी रोटी को रौंदा, तो आज इस धरने के 216वें दिन रोजी दो रोटी दो पैदल मार्च हमने शहर के अंदर निकाला। तमाम लोगों ने इसको देखा, लोगों ने दुकानों से निकलकर उसको देखा, इस योगी सरकार को धिक्कारा कि किस तरीके से एक सरकार को रोजी रोटी देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, लोगों के कारोबार की सुरक्षा करनी चाहिए, मकान दुकान फल पटरी इन सबको सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन उल्टे सरकार ही लोगों की रोजी रोटी छीन रही है, उनको भूखमरी के कगार पर भेज रही है। तो इस सरकार के लिए धिक्कार है। तो इस अवसर पर हमने थाली बजाकर, खाली कनस्तर बजाकर, जो इस सरकार ने हमारे कनस्तर खाली कर दिए, कटोरे बजाकर ये सरकार को हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों की रोजगार की सुरक्षा करे, रोजी रोटी की व्यवस्था करे, उनके बच्चों के शिक्षा इलाज इन सब की व्यवस्था करे। लेकिन ये तो उल्टे सारे लोगों की पुरानी ज़मीनों को, जो सैकड़ों सैकड़ों साल से रह रहे हैं, किसी का मकान ध्वस्त किया जा रहा है, कि मंडियाँ उजाड़ी जा रही हैं, फल तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़े जा रहे हैं।